हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से पकवान फायर एश के केलस रीजन के गेम प्ले एपिसोड्स के अंदर। और आज का पार्ट है पार्ट नंबर 15, जिसके अंदर हम बनाएंगे हमारे फ्लैग चिंडर को टैलेंट फ्रेम, उसे सिखाएंगे कुछ कूल एंड ऑसम मूव्स। और पिछली बार जब हम फिर हमने स्टॉप किया था, वहाँ पर जब बैटल था वो इस एपिसोड के अंदर हम फाइट कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, तो उसने चुना है एक द डैने को और हम चुन रहे हैं हमारे जल्टी को। और जल्टी से हम करवाएंगे अब आयरन टेल, क्योंकि वो साथ में फेरी टाइप है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप मूव करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और स्टील टाइप उसके पास सुपर इफेक्टिव था, इसलिए हमने उसके ऊपर ये अटैक किया है। और हमारा नाइबेट सीख रहा है बाई टाइम से टैकल की जगह सिखा देते हैं। और वो चुन रहे हैं एक अरोमाटिस को। हम किसे चुने हैं, सिर्फ लेजेंडर चुन कर सिर्फ ट्रेन करते हैं ताकि टेल एंड फ्लेम में इवॉल्व हो सके। तो अब हम कराएंगे स्टील विंग। और अरोमाटिस आने वाला उसने मून ब्लास्ट कर दिया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि फ्लेजेंडर जीत सकता है उससे। गो फ्लेजेंडर, यस 3 पॉइंट्स भी बाकी है और एरियलेस। और हमारा फ्लेजेंडर अभी बैटल जीत चुका है फ्रेंड्स। ओहो, हमारा फ्लेजेंडर लेवल 36 पर आ चुका है, जबकि आपको याद हमें जब गुड्रा को डे के छोड़ा था वो लेवल 37 पर था। हमारे सारे पकवान उसके बराबर आ जाए उससे पहले हमें श्वास निकालना होगा पकवान सेंटर से। तो उनसे शायद तो पीसी में ही होगा या शायद डे केयर पर, हम चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पकवान को हम हील कराने वाले हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कम हो चुकी है। हमारे पकवान अब हील हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब अरे नहीं नहीं पहले हम टेलीपोर्ट नहीं करेंगे, पहले हम चेक करते हैं यहाँ के इस पीसी के अंदर। और कालोस में तो कुछ नहीं है, एक फ्रेंड नहीं, सब ब्लैक फ्रेंड भली है। चलिए अब टेलीपोर्ट कर जाते हैं। इसे मैं फुल स्पीड 4x पर लगाता हूँ। हम फुल स्पीड में जाकर डे के से निकाल कर आ जाएंगे हमारे गुड्रा को। तो चलिए चलते हैं इस बार फुल स्पीड में। और अभी हमारा गुड्रा चुका है हमारे पास वापस। चलिए वापस फुल स्पीड में यहाँ से बाहर निकलते हैं और फटैक से पहुँच जाते हैं वापस लेवेट सिटी में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड, हम पहुँच चुके हैं अब लेवेट सिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स देखा हम कितनी जल्दी गुड्रा को लेकर आ चुके हैं। तो हम दिल से पकड़े स्कूल गया पकड़ जाते हैं। और ये रहो हमारा गुड्रा, सिर्फ 100 एक्सपीरियंस मिले इसको अभी तक। मुझे पता था डेकर पर इतना अच्छा ट्रेन नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे वापस ले लिया। कोई नया मूव तक नहीं सीखा हमारा गुड्रा तो। चलिए बैटल के लिए चलते हैं वापस उसी रूट पर। तो अभी हम वापस आ चुके हैं उसी रूट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रूट में। तो वही ट्रेन से हमने हराया था, चलिए यहाँ से आगे चल के देखते हैं यहाँ क्या है। लगता है आपको कोई फॉरेस्ट है, ओहो पर कुछ नहीं है, चलिए चलते हैं। और तो वही पकवान ट्रेन आगे से हमने बैटल किया था। तो चलिए दादा इसे बस के निकलते हैं, ना तो यही बैटल कर लेंगे। वो इस तरफ क्या है, लगता है यहाँ पर कोई फॉरेस्ट है। ओह यहाँ का कोई फॉरेस्ट नहीं है, दिखने से लग रहा था ऐसे कोई फॉरेस्ट हो। और अब हम ये ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं। ये क्या चैनल है, हाँ तेरा ब्रिज नहीं है, ये पब्लिक ब्रिज है और तुम बोर हो चुके हो, तो फिर मेरे फ्लेजेंडर से लड़ो और हारो। जा बनाइट फ्लॉइड फ्रॉग डियर फ्लेजेंडर फ्लेजेंडर फ्रॉग डियर नाउ यूज एरियलेस फ्लाइट पर। और फ्लेजेंडर तुम करो अब ओमिनोस विन बनाइट पर। ओह बनाइट तो मेगा इवॉल्व हो चुका है, मेगा बनाइट, हाँ उस बनेट को हरा सकते हैं अभी, हमारे पास अभी चांस है। हो उसका हैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पेटल ब्लिजर हमारा फ्रॉग डियर तो हार चुका है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था फ्लोइड का। तो भी हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा अभी गुड्रा है, गुड्रा है तो डरने की क्या बात है। गुड्रा करेगा अब एक्वाटेल और फ्लेचिंग करेगा अब एरिलेस। तो एक बार मुँह बदल देते हैं। वाह अफसान वाली टीम हारने वाली है। और पेटल ब्लिजर इस बार कुछ काम नहीं आएगा हमारे खिलाफ। तो इस बार हम करेंगे ड्रैगन ब्रिज फ्लाइट पर और करेंगे ओमिनोस विन बनेट पर। और मेगा बनेट भी हार चुका है और हमारा क्रॉन आ चुका है लेवल 16 पर और विंग अटैक सीख चुका है। विंग अटैक गस्त की जगह सिखा देते हैं फ्रेंड्स। और हमारे पास आ चुका है लेवल 16। ओहो ये काम नहीं कर रहा, फिर मामूली बात नहीं है फ्रेंड्स, ड्रैगन ब्रिज अटैक हर कोई नहीं सीख सकता। और मुझे पता नहीं था कि फ्लाइट भी एक फेरी टाइप है, पता हम पहले से स्टील विंग कर देते उस पर। और हमारा कुरान अब लेवल 17 के ऊपर आ चुका है और बड़ी स्लेम के सामने लिए कुछ सामने था ही नहीं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ हमारा फ्लेचिंग इवॉल्व हो रहा है, हो तो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है फ्रेंड्स। स्क्रीन पर देखिए हमारे टेलन फ्लेम को। हम चलते हैं यहाँ से आगे। और एक पॉकेबल पड़ी है वहाँ पर, तो क्या हम उसे लेने जाए, नहीं मैं बीच में हील करके आ गया था फ्रेंड्स, तो ऐसे डार्क हुआ था क्रॉस फेड हुआ था कि मैं बीच में हील करके आया था, तो मैं स्किप कर गया था फ्रेंड्स।
तो चलिए एक बार यहाँ से हम ले लेते हैं प्रोटीन। हमें प्रोटीन मिल चुका है फ्रेंड्स, अब चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक और बैटल के लिए, देखिए इसके पास कौन सा पोकेमॉन है। आई कैन की विनिंग, तो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ स्टाइली। अब फ्रॉग दिया करेगा इसके ऊपर आइस बीम। फ्रॉग दिया इसे जीत सकता है क्योंकि एक फ्लाइंग टाइप है। वाह फ्रेंड्स, फ्रॉग दिया से कितनी आसानी से हरा दिया है। और अब आ रहा है एक्सटेरेविया, चलिए इसके ऊपर आइस बीम करेंगे। और हॉस्टेरिया तो बच गया, आपका टेक डाउन तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक है फ्रेंड्स, हिस्टेरिया भी हार चुका है। मुझे लगता है चुनेगा स्ट्रैप्टर को क्रोनो लैटिन पर, और जिन सीख रहा है एजिलिटी पर, एजिलिटी नहीं सिखाने वाले फ्रेंड्स हम। ओह स्ट्रैप्टर, हमारा टेक बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है इमीडिएट से, देखते हैं कौन जीतता है। ओह ना ही तो क्रिटिकल हिट हुआ और ना ही कोई फ्रोजन हुआ। चलिए अब चलते हैं हलूचा को। हलूचा हाई जंप किक से संभाल सकता है। हलूचा हाई जंप किक, और ये स्ट्रैप्टर हार गया है फ्रेंड्स। और अब हमारा हलूचा आ चुका है लेवल नंबर, नहीं हलूचा नहीं आया है, क्रॉन लेवल अप हुआ है वो तो। फ्रेंड्स अगर आप सोचते हैं क्रॉन कौन है, तो मेरे नोइबेट का ही नाम है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं एक बार हिल करा कर आ चुका हूँ पोकेमॉन, क्योंकि हमें फ्रोगड़िया को ही तो आगे बढ़ाना है ना फ्रेंड्स, कि साइकिक टाइप जिम होगी अगली, तो अभी हम कौन सा पोकेमॉन को यूज़ करेंगे अब, तो इसीलिए ओह मुझे ध्यान ही नहीं दिया था कि ये भी है। हाँ सिर्फ एक चाइम मेक को, इसे तो हम आसानी से हरा देंगे हमारे स्नैक डाउन से, नहीं वट पल्स करते हैं इस बार। हो इसका अप्रोच तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, मैं से बहुत कमज़ोर समझ रहा था, पर तो सुपर स्ट्रांग निकली। मुझे तो हमें चलना चाहिए हलूचा को। गो हलूचा, हलूचा हलूचा एक्सेजर। और ये हलूचा का एक्सेजर बहुत ज़्यादा ताकत के साथ हमला करता हुआ है, और कोई भी लेवल अप नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और अब हमारे पास, अब हम चुनेंगे, नहीं हाँ शायद हमें टैलेंट फ्लेम से वापस लेना चाहिए एक्सपी शेयर, क्योंकि बहुत से इवॉल्व हो चुका है। अब मैं पोकेमॉन हील कर आ चुका हूँ फ्रेंड्स, अब चलिए इसे बचते हुए आगे निकलते हैं। ओह एक वाइल्ड इंकाउंटर, ये बहुत ज़्यादा रेयरली हुआ है। और एक क्लेफ की, मैं इसे जानता नहीं होता, इसे छोड़ कर निकलते हैं। अरे मुझे बैटल करना ही पड़ेगा फ्रॉगड़िया को, लेवल अप ही तो करना है ना फ्रेंड्स, बिना बैटल कर जाऊँगा तो फिर फ्रॉगड़िया लेवल अप कैसे होगा। हाँ गे बाइक किस्मत खुल गई फ्रॉगड़िया की, फ्रॉगड़िया में आइस बीम से बहुत आसानी से हरा चुका है। लगता है फ्रॉगड़िया की किस्मत अच्छी चल रही है इस बार। और हमारा क्रॉन आ चुका है लेवल 20 पर। ओह ये मुझे तो है बैटल करेंगे, चलिए देखते हैं। ओह इसने हमें एक शार्पी डोनेट दिया है, हमारा शार्पी डोमेगा बोल हो सकता है जो कि मेरे पास है ही नहीं। और इसने कैमरा के लिए मेगा स्टोन दिया है, इसने जो मेगा स्टोन दिए हैं वो दोनों ही हमारे पास नहीं है फ्रेंड्स, कितनी किस्मत की बात है। चलिए हमारे डेंडरमाइल टाउन, हाँ डेंडरमाइल टाउन है शायद नाम, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा फ्रेंड्स बाद में। तो चलिए एक बार हिल करा कर निकल जाते हैं यहाँ से। ओह एक नाटू, ये कुछ नहीं नाटू पकवान है यार, हर बार हमें बहुत बड़े बड़े पकवान दिखते हैं, ये इतना छोटा सा नाटू। हाय फ्रेंड्स ये डेंडरमाइल टाउन ही है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ी देर बातें बातें करते हैं सबसे। डू यू वॉन्ट टू लर्न ए कूल मूव एंशियंट पावर, पर मुझे नहीं लगता हमारी टीम कैसे सीखेगा। एश के जम पागल था इसलिए उसकी टीम इतनी बकवास थी यार फ्रेंड्स। ओह दरवाज के अंदर घुसते घुसते गेम से देखिए इस पास क्या है, मोमो मिल्क है, मोमो मिल्क नहीं चाहिए सॉरी। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। ए परफॉर्म जस्ट वन एनकाउंटर हियर, शी सीम्स रियली हैप्पी। हाँ एक परफॉर्म यहाँ पर एनकाउंटर दिख सकता है, वो बहुत खुश होगा। तो चलिए यहाँ सीढ़ी के ऊपर देखते हैं, और एक लाइट हाउस फिर से बाहर देखते हैं। हाँ अब बनता है बहुत ज़्यादा खुश है ऊपर रहने से, चलिए उसे बात करके देखते हैं। बिग विनर, मैं बिग विनर, और मेरे पास है बिग नगेट। वाह फ्रेंड्स ये तो हम पक्के मार्ट में बेचेंगे अब, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो और तुम मूड डिलीट हो गया, हमने कुछ भी डिलीट नहीं कराना है फ्रेंड्स सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ किस से बातें करें, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह एक घर वहाँ पर है, चलिए वहाँ चलते हैं। अब हम फिर से जा रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर, और अब इस घर के अंदर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये बोल रहा है, और एक मूव मैनिएक, ये एक नया मूव सिखाएगा हमारे फ्रेंड पर्टमेंट्स को, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम सिखाएंगे फ्रॉगडियर को, देखते हैं फ्रॉगडियर के पास पहले कौन से मूव्स है। बबल ग्रॉल पॉन्ड क्विक अटैक लेक स्मॉक स्क्रीन राउंड फ्लिंक, यहाँ कुछ दम नहीं है टैक्स में, चलिए छोड़ देते हैं, हम बाद में सिखा लेंगे फ्रेंड्स इन्हें तो नए मूव्स। और ये हैं डेंडरमाइल टाउन के अंदर फ्रेंड्स, मैं अभी उनमें जो पोकेमॉन से ना फ्रेंड्स उनको नए नए मूव्स सिखा के आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दूंगा पोकेमॉन सेंटर के बाद। और फ्रेंड मैं फटाफट जाकर ना मैं टैलेंट फ्लेम में कुछ ऐसा मूव सिखा दूंगा मूव मैनिएक से, और तो कुछ और दूसरे पोकेमॉन को भी नए मूव सिखा दूंगा, तो तकलीफ स्किप कर दूंगा फ्रेंड्स।
और यहाँ बेरीज उगा रही है बंजर जमीन पर, वाओ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पोकेमॉन सेंटर, जिसे हम हमारे वीडियो को करेंगे पोज। फिर हम कहीं और जाकर घूमते हैं थोड़े बहुत अभी। ये पोकेमॉन आर प्रीटी, ओ एक स्लो बर्न लाइट। हमारा वैसे स्लो बर्न नहीं है, हम सही में इवॉल्व नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और चलिए इसे बात करके देखते हैं। नहीं चलिए बाहर से छोड़ते हैं, नहीं चलिए कर ही लेते हैं। चलो वहीं भी तो नेक्स्ट रूट, ओहो नेक्स्ट रूट बहुत ज़्यादा कॉल और वो बहुत ज़्यादा बर्फीली होगी। ओहो रूट 70 बहुत ज़्यादा बर्फीली है। चलिए हमारे बाद में जाएंगे हम डेंडेमाइल टाउन से बाहर निकलने के बाद। पहले सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मूव मैनिक से नए मूव सिखाने, अपने टेलन फ्लेम को और फ्रॉग डियर बहुत सारे पकवान चाहिए मेरे पास सबको। तब तक अगले मैं फटाफट में पकवान हील करके बाहर स्किप कर दूंगा। तो ये पकवान हील हो चुके हैं। तो फिर फ्रेंड्स अब मैं फटाफट भाग भाग कर उस मूव मैनिक के पास जाता हूँ और अपने टेलन फ्लेम और बाईस पकवान सब कुछ खतर मूव सिखा कर आता हूँ। तब तक के लिए शायद मुझे वीडियो को स्किप करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा उससे वीडियो। तो चलिए मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। गिली गिली छू। और या फ्रेंड्स मैंने न्यू मूव सिखाया, मैं तो सुबह की शाम हो गई, पर ज़्यादा देखिए मैंने नए मूव सिखा दिए हैं। मैं पकवान जाकर आपको दिखाता हूँ। सबसे ऊपर हालूचा रग रही है जॉन्टी टेंशन। चलिए हालूचा शुरू करते हैं। तो फिर इसके मूव्स देखिए, वैसे इनमें तो मैं कुछ बदलाव नहीं किया है, इससे भी नहीं। ये क्या ब्लेव ब्रेव बर्ड ऑफ फ्लेयर ब्लेड से काफ़ी स्ट्रांग मूव्स है। और घर में देखिए उसे इसे, और यहाँ पर क्या एक आउट रे, इतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप मूव ने कैसे सिखा, मैंने तो सिखाया था फिर भूल ही गया था, मैंने इन्हें हार्ट स्केल से सिखाया था। तो चलिए चलते हैं उस कोल्ड रूट पर जहाँ पर जाने के लिए उसने बोला था। शायद वहीं से हम पहुँचेंगे हमारे अगले शहर में, जहाँ पर है साइकिक बैच यानी कि अनस्टार सिटी। हो एक बार इनकाउंटर यहीं की चलते चलते ही एक्स नॉवर। चलिए इस पर कोई अटैक करके देखते हैं। और ये हाई जंप केक, ये स्नोवर हारने वाला है। और ये स्नोवर गेट डाउन, हार जल्दी लेवल 36 पर आ जाएगा, बहुत अच्छा लड़ रहा है। और मुझे लगा था कि बैटल करेगी। इस पास मेयर गर्ल है, हाई जंप केक, अब ये बस हारने वाला है। और यस अब हमारा हावलू चैनल 36 यानी बहुत ज़्यादा करीब है, हमारा कुरान बिलन 25 पर है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ से देखते हैं आगे क्या है। और एक और बैटल, चलिए इस बैटल होकर देखते हैं। एकदम ओपी फोटो खींच रहा था हमारी। और एक चार्मियन, इसे हम करेंगे स्काई ड्रॉप। हमारे चार्मियन प्लेयर अभी नहीं है, बाकी उसने फायर स्पिन कर दिया फ्रेंड्स। हमारा हावलू चैनल मुश्किल से साथ लग रहा है। एक हम करेंगे हाई जंप किक और चार्मेलियन फेंटेड। और अब हमारा कुरान हो चुका है फिर से लेवल अप लेवल 26 पर। हमें लगता है हालचा की लाइफ फिर से बढ़ानी पड़ेगी। चलिए इसके बैग में कुछ तराशते हैं। और ये रही लेमनेड, मुझे इस बार 59 पॉइंट तक हिल हो चुकी है। अब चलिए आगे के रास्ते पर चेक करने जाते हैं हम आपको गेम सेव करके। और फ्रेंड्स हमारा गेम सेव हो चुका है। और एक पक बची और कैल्शियम, ये तो मार्केट में नो जाकर मिलता है। अच्छा हमें यहीं पर मिल गया। और एक बैटल देखते हैं इस बार कौन सा पकवान है। और अभी आगे दे रहा है एक पकवान को, इसमें है कार्निवाइन, ये बहुत कमज़ोर है। स्काई ड्रॉप, कार्निवाइन की लाइफ अब आती है बची हुई है। स्टक पाए, अब तो वो ज़्यादा फेन से हारेगा, तो इस बार हमें करना चाहिए अब फिर से स्काई ड्रॉप और कार्निवाइन फेंटेड। और हमें हॉल चल 36 पर आ चुका है फ्रेंड्स। ये एंड ओवर सीख रहे इससे बाउंस बुलाते इस बार शायद। कौन सा टाइप बुलाना चाहिए हमें, बाउंस पता है, बाउंस ही सही रहेगा। 22 अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाउंस ही फुला देते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब बाउंस ही फुल चुका है, नया नया अटैक सिखाया एंडवर। और सीना, ये कौन सा पकवान है, सुहाना तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है। हमें सुबह नहीं, हम पिज्जॉल्टी को चुनना चाहिए कि हमने इसे कभी देखा नहीं इस पकवान को। तो शायद पिका अच्छे से हटा देगा। एक है स्लैश, बहुत कमज़ोर ड्राम लेकिन फ्लाइंग टाइप पकवान है। और हमें करना चाहिए थंडर, नहीं थंड बोल्ट। और स्वाना की लाइफ हो चुकी है फिर से क्लास। हमारा कुरान आज का लेवल 27 पर, एक बार लेवल अप हो गए। और सोच रहा है रूस्ट, हम रूस्ट खुल लेते, चलो कोई नहीं। अब चलते इस केव के अंदर, ये कौन सी केव है, फ्रॉस्ट केव। ये बच्चे यहाँ पे गेम से करते हैं, वो ठंडी जगह है। तो एक अब्बा मॉन्स्टर वो भी जंगली, चलिए इसे पकड़ते हैं। जाओ मास्टर बॉल, नहीं मास्टर बॉल ठीक रहेगी शायद, चलो मास्टर बॉल गो। ये हमने अब मन स्नो को पकड़ ही लिया। अब एक आधा उसमें जा चुका है, उधर तो कुछ नहीं है ना, जो जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है फिर यहाँ देखिए हमें क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी के हुए। तो हमारे पकवान हील कर दीजिए नस जाए। और एक पकवान यहाँ पर ही पड़ी हुई, देखते इसके अंदर क्या है। हमारे पकवान से पहले एक जंगली पकवान आना जरूरी था यहाँ पर, एक स्नोवर। चलिए यहाँ निकलते हैं। और एक हार्ड स्केल,
अभी हमें चाय इसकी ज़रूरत नहीं है। चाय इसके मुकाबले में पास क्या है? नथिंग। और एक रोटम, रोटम खिला लगता है ये जल्टी को, और जल्टी करेगा इलेक्ट्रो, और रोटम हार चुका है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, घुसते पहले सेकंड फ्लोर पे क्या है। चलिए यहाँ पर ये पजल तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये पजल सॉल्व हो गई, अब ये एक और पजल, कितनी पजल से आए यहाँ पर। और एक पक्की बात देखते हैं इसके अंदर क्या है, एक नॉर्मल टाइस। तो हमें इसे बाद में कॉल करना चाहिए, एक बार हमें आपके दोस्त देखने चाहिए, दोस्त हैं फ्रेंड्स नीचे। यहाँ पर सारे साइज के मतलब तीन तीन डस्ट निकल रहे हैं फ्रेंड्स, हम बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं हमें किधर जाना है। चलिए तो एक बार दूसरे रास्ते पर चेक करते हैं, चलो बैटल करते हैं, जाते हैं। और एक जिविलियन, इसमें मतलब नहीं है तो स्काई ड्रॉप से हराते हैं। और अब एक और नहीं, अब एंडोवर नहीं, एक्सीजर, कल से एक्सीजर हो गया था फ्रेंड्स, मैं एंडोवर करने वाला था। और एक बैटल, चलिए तो इसके पास क्या है, एक क्रोकोडाइल, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग, हाई जंप की हमारा टाइप किसी मिस हो सकता है, और हाइपर बीम से तो हम हार ही गए फ्रेंड्स। चलिए इस बार हम क्रोकोडाइल को चुनते हैं। और अब वाटर पल्स, वो कमज़ोर हो चुका है, इसलिए इसके पास आइसक्रीम कहीं से हरा देते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी बाकी है, कमान 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 कमान, यस आई का हमने शक्तिशाली क्रॉक रॉक रह दिया, आई मीन क्रोकोडाइल, एक हाई प्रोपोर्शन। चले ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पर डबल बैटल है जो निकले वहाँ से। अब चलिए तीसरे रास्ते पर देखते हैं, जब आप अपन हील करा लेते हैं, हमारे पकवान हील है। चलो तीसरे रास्ते पर चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, एक पकवान बैटल, डब ब्लेड। चलिए एक बार स्काई ड्रॉप को देखते हैं, नहीं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। एक स्काई ड्रॉप, ये भी काम नहीं कर रहा, हाई जंप केक, हाँ इसी को कोई भी टेक काम नहीं कर रहा, हम हार भी गया, कोई नहीं, जा टैलेंट फ्लेम और फ्लेयर ब्लेड्स, हार गया फिर भी कम से कम क्रॉन लेवल 30 पर आया फ्रेंड्स। चलिए अब आपस में हील करना चलते हैं, यार वो जो मुश्किल है यहाँ पर जीतना। तो अब चलिए तीसरे रास्ते पर चेक करते हैं आगे क्या है, एक पियर, चलिए निकलो, चल मैं मोसमान यहाँ से निकल, नहीं नहीं हम इसे पकड़ेंगे, मैं मोसमान बहुत कम मिलता है, मास्टर बॉल से हमने पकड़ लिया है। और चलिए रास्ते को देखते हैं, हाई ओके ये क्या है, मतलब वहाँ पर एक्स और वाई का वाई वाला निशान दिख रहा है फ्रेंड्स स्क्रीन पर, देखिए पता नहीं ये कहीं का पकवान है यार फ्रेंड्स, मुझे पहचान भी नहीं आ रहा है ये, जैसे बैटल करके देखते हैं। और यवल्टल, ये डिस्ट्रक्शन पकवान है फ्रेंड्स, द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन, देखिए ये ना जिसकी लाइफ खत्म होने वाली होती है तब ये आजकल हर जीवित चीज़ की एनर्जी इतने सो के ककून बन जाता है, वापस जीवित हो जाता है, बहुत शक्तिशाली पकवान है ये। मैंने फायर में जितने पकवान अवेलेबल है लेजेंडरीज में उसमें आधे भी नहीं पकड़े हैं, पता है मैं कालोस लिख के खत्म होने इसके ऊपर भी एक एपिसोड बनूंगा, उसमें कालोस के सारे पकवान पकड़ूंगा फ्रेंड्स, जिसकी एक्सर्नियस, यवल्टल, जाइग्रा, डीएनसी, हुप्पा और वॉल्केनियन फ्रेंड्स, शायद ये सब ही होंगे वो पकवान, और शायद इसके अलावा कोई पकवान ही नहीं है कालोस में। मैं अबाउंस में पकड़ खाते से हराए थे हाई जंप किक से, वाह अबाउंस में हार गया। चलिए अब इस रास्ते में चेक करते हैं, डबल बैटल कर लेते हैं हम यहाँ पर, मैं पूरा कि नहीं कि हम उसे जरूर हराएंगे। चलिए बैटल के लिए तीन सर के, हाँ हर जॉब रोक दिया सही है, इनके पास बहुत शक्तिशाली पकवान है ग्रम्पिक और स्क्रैफ्टी। चलो हालू से आप तुम करोगे एक्सीजर और फ्रोगरिया, तुम करोगे एरियल, और ग्रम्पी की लाइफ आधी बची है और स्क्रैफ्टी की लाइफ तो आधी की आधी है, मतलब कितनी कम हुई है, बहुत ही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो देखते हैं हम जीत जाएंगे। हाल जगह एक्सीजर और ग्रम्पी हार चुका है, और फ्रोगरिया हो चुका है लेवल अप, और क्रॉन भी लेवल अप हो चुका है, तो जैसे भी नहीं सीखना चाहिए फ्रोगरिया का मतलब पल्स, ओह तो बोलता है स्ट्रॉन्ग मुझे वो तो। और यस आखिर का हमारा हालू का जीत ही चुका स्क्रैफ्टी से, थ्रो इस तरह ज़्यादा मुश्किल हो सकता है फ्रेंड्स, चलिए इसके ऊपर स्काई ड्रॉप और एरियल करके देखते हैं। और उसने तो हरा दिया हमारे फ्रोगरिया को, चलो मुझे चुनना चाहिए गुड्रा को, तो गुड्रा जहाँ जाए गुड्रा आउटरेज, और सर्कल थ्रो जल्दी बाहर आ चुका है, तो फिर जल्दी थंडर, और सामने तो कोई था ही नहीं, और अब हमने बैटल जीत चुका है। चलिए अब फ्रोगरिया को बाद में इवॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आज वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलता है मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। और भी आने वाले शाउट आउट्स, तो फ्रेंड्स शाउट आउट्स बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो पकी क्विज है वो मेरी इस रेड बॉल के अंदर है, तो चलिए देखते हैं आज का क्विज है क्या, बॉल जीत गई और मैं व्हाइट बॉल में से पकी क्विज ले लिया है, चलिए देखते हैं आज का पकी क्विज क्या है, और इस पकी बॉल में से पकी क्विज निकलने वाला है बस। और ये
तो भी फ्रेंड्स, आज का क्विज है वो ये है कि ऐसा कौन सा पकवान जो हमेशा अमर रह सकता है। इसका हिंट देगा मैं समुराई पिकाचू। और फ्रेंड्स एक और बात, द गॉड अर्सियस को छोड़कर। और फ्रेंड्स मैं हूँ पिकाचू और आज के पहले क्विज का हिंट ये है कि वो पोकेमोन मरते हुए भी अपने आसपास ही हर जीवित चीज में से एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके दोबारा से एक ककून बन जाता है और एक नई जिंदगी शुरू करता है उस ककून से निकलकर थोड़े समय तक आराम करने के बाद। और फ्रेंड्स आपको इसका आंसर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक आपको इसका आंसर देना है।